What do you mean by sorry? अगर मेरा drawing board टूट जाता तो? ओहो, भाई टूटा तो नहीं। ओहो भी चलो, बहुत देर हो गई आगे। पता नहीं कैसे लोगों से पाला पड़ा है। शाबाश है भाई, कुछ ज़्यादा smart लग रही। ओहो, पता नहीं किस खड़े की कार है। ट्रेन चलने में सिर्फ आधा घंटा रह गया। जरा हॉर्न बजाओ। बाबा चाहे किस्म के लोग कार खरीद लेते हैं, लेकिन इन्हें कार पार्किंग के सूल नहीं पता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपसे कौन बात कर रहा है मिस्टर? और मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा, मिस। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। जहाँ लड़की देखी। मैं भी आप जैसी लड़कियों को घास नहीं डालता। सारी घास खुद ही खा जाते। वक्त आने पर आप लोगों को भी खिला दूंगा। लगता है आप लोग कुछ जल्दी में है, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? प्लीज जरा जल्दी कर दीजिए ना। अरे ये आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? हाय अल्लाह, कितनी गलत फहमी है आप लोगों को। खैर छोड़ इन बातों को, ऐसा करते हैं कि मैं गाड़ी के ब्रेक लूज करता हूँ, आप सब लोग मिलकर धक्का लगाएं। धक्का? जी धक्का, आइए। वक्त पड़े तो गधे को ही बाप बनाना पड़ता है। चल इडियट। हुआ फजलू सौदा सिर्फ ले आया बाजार से। क्या हुआ है कम्बा? जल्दी थोड़ी आएगा, उसे तो घर से निकलने का बहाना चाहिए। बीबी मैं तुम्हारी तरह काम चोर नहीं हूँ बुआ नसीबन, मैं सौदा भी ले आया हूँ और सब्जी भी काट कूट कर हड्डियाँ चढ़ा दी है। तुम अपने सुना, सुबह से खड़ी एक ही घाट पर छुआछू कर रही जा रही हो। सुन रही हो ना की बात है? फजलू तुम जो अपना काम करो, और बुआ तुम माली से कहो कि बरामदे का कालीन झाड़ दे, इशरत की गाड़ी आने में सिर्फ एक घंटा बाकी रह गया। अच्छा बीवी। हेलो हेलो, भैया सब है? बिल्कुल है। अरे आगे तुम, मैं तुम्हें फोन कर रही थी। खादिम हाजिर है, वैसे चार मुकदमों की पेशियां डलवा कर आया हूँ। इशरत को लेने स्टेशन नहीं चलोगे? जरूर चलेंगे, चलिए। अरे अभी तो ट्रेन आने में एक घंटा बाकी है, मैं जरा मेकअप तो ठीक कर लूँ अपना। अरे रहने दो, कमरा वैसे ही जगमगा रहा है और वोल्टेज बढ़ाने से क्या फायदा। अपनी जुल्फे संवारना तो खूब आता है, हमारी किस्मत संवारो तो जाने। वक्त आने पर खुद ही संवर जाएगी, कोशिश करते रहो। न जाने वो वक्त कब आएगा, वैसे मेरे ख्याल से स्टेशन जाना बेकार। अरे वाह, मेरी बहन 3 साल बाद घर आ रही है और मैं उसको लेने स्टेशन भी ना जाऊँ। देखिए दीदी, जब तक आपका ये मेकअप खत्म होगा ना, इशरत खुद ही चली आएगी इंशाल्लाह। लो खत्म हो गया मेकअप, चलो। अरे वाह, बड़ी ठाटदार साड़ी पहनी, मालूम होता है आज स्टेशन पे कत्लेआम होगा और तुम्हें 302 लगेगी। जब भी तो वकील के साथ जा रही हूँ, चलो। अरे अभी तक तो आया नहीं कोई। बाजी, हेलो बाजी, इशो कैसी है बाजी आप? हेलो मिस्टर वहीद, आप यहां कैसे? इशरत को लेने आया हूं। आपका यहां होना बहुत जरूरी था। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल चंगा भाई, वैसे माशाल्लाह हॉस्टल का खाना तुम्हें खूब रास आए। बस जी आपकी दुआएं चाहिए। हाँ भाई नुसरत, सामान ले लो। खुले भाई जान, डैडी नहीं आए? अरे भाई डैडी निकल गए होंगे कहीं अपने ख्यालों ही ख्यालों में। आप कैसी हैं मिस इशरत? ठीक हूँ जी। सनम अरखत ने आपकी बहुत तारीफ लिखती थी। वैसे इसे झूठ बोलने की बहुत आदत है। बहुत बुरा। जी चले चले। बस झूठ बड़े खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। बाजी ये बोले की क्या आदत बना रखी है तुमने, बिल्कुल खंडर लगता है। और फिर ये फर्नीचर छी छी छी, कितना आउट ऑफ डेट है। अब तुम आ गई हो, सब ठीक हो जाएगा। ये लो पाओ। इशा,
आओ चाय पियोगी? नहीं। अरे ये तुम सबको मेरे आने की खबर कैसे हुई? ए सुना नहीं, दिल को दिल से राह होती है। परसों स्वीटी को मैंने फोन पर बताया था। चलो आओ बैठो ना। क्या हुआ? ओह तुम यहाँ आके बैठो, बैठो। तुम लोग यहीं बैठो, मैं जाती हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। बाजी जरा शामी को आप तो भेज दीजिए। अभी भेजती हूँ। तो अब सताइशों की बच्ची, तीन साल तक छुट्टियां मैंने कहाँ जाती रही और किसके साथ जाती रही और क्यों जाती रही, और तुम्हें हमारी याद भी नहीं आई? बाप रे बाप, इतने सवाल एक साथ। भाई मैं छुट्टियां मनाने कहीं नहीं गई, सिर्फ हॉस्टल में बैठ के किताबें पढ़ती रही हूँ और जूडो कराटे सीखती रही हूँ। यू अंडरस्टैंड? देख झूठ मत बोल, नाक काली हो जाएगी। हमें तेरे रोमांस का सारा किस्सा मालूम है। रोमांस? वो क्या होता है? देख ईशो इतना मत, सच बता वो कौन है? कौन कौन है? गरा गरा करा करा खूबसूरत सा लड़का। अरे वही जिसके हाथों में हार डाली क्लिफ्टन रॉक्स पे भी घूमती फिरती थी, और आप बोलती रोमांस? तौबा तौबा, कुछ तो शर्म करो चुड़ैलो, क्यों नाहक का बहुतान लगा रही हो? मैंने तो कसम खा ली है कि जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। क्या? जी मैं शादी नहीं करूंगी। तो फिर क्या करोगी? अरे वाह, हजारों काम है दुनिया में, सर्विस बिजनेस पढ़ना लिखना और सैर सपाटा करना। जब ये सब कर लोगी तो फिर क्या करोगी? जी कुछ भी करूंगी, छत मारूंगी, घास खोदूंगी, मगर शादी हरगिज नहीं करूंगी। मालूम होते किसने दिल तोड़ दिया है बेचारी का। किसी ने दिल भी नहीं तोड़ा मेरा। शादी करके मरती गुलामी करने से आजाद रहना मुझे ज्यादा पसंद है। मैं अभी तुम्हारे साथ ही शुरू। आज से हमारा नारा है, हम मर्दों से शादी नहीं करेंगे, हम अपने इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पागल पागल पागल, एक तो थी अब दूसरों को भी दौरा पड़ गया। ईशो तूने कहा हमने यकीन किया, अब ये बता कल पिकनिक पे चलेगी ना हमारे साथ? हाँ हाँ जरूर चलूंगी, सनम को भी साथ लेंगे। सनम के हाथ हम अभी जा रहे हैं, तुम कल तैयार रहना, सुबह 8 बजे हम तुम्हें पिकअप कर लेंगे। राइट राइट। अच्छा हम चलते। अरे तुम लोगों ने कुछ खाया पिया भी नहीं, और कोई बात नहीं फिर कभी खा लेंगे। किस ख्याल में तुम हैं? आपने कुछ मुझसे फरमाया? जी आप ही से कह रही हूँ। फरमाइए। फल रखे हैं आपके सामने, आपको खिलाऊं? जी नहीं, खुद खाइए। वो तुम्हारी सहेली की बाजी, क्या नाम है उसका? नुसरत बाजी। हाँ उसकी बैरिस्टर वही से बड़ी छन रही है आजकल। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि शहर की ऊंची सोसाइटी में काफी चर्चे हैं उन दोनों। आपकी ऊंची सोसाइटी का क्या कहना भैया, वो लोग तो शीश महल में बैठकर दूसरों पर पत्थर फेंकते हैं। नुसरत बाजी तो इतनी अच्छी और मासूम है। तुम बहुत भोली हो, नहीं समझ सकती। जी नहीं ऐसी भी नहीं कि खरे खोटे का फर्क न पहचान सको। मेरे ख्याल से आप दोनों सच्चे हैं। हर आदमी जिस रंग का चश्मा लगाता है बाहर की दुनिया उसे उसी रंग की नजर आती है। बहरहाल आप लोग खाएं, इससे सेहत पे अच्छा असर पड़ता है। आप भी टांकिए। बाजी बाजी मैं कल अपनी सहेली के साथ पिकनिक पे चली जाऊँ? जरूर जाओ, और जिस चीज की जरूरत हो फजलों को भेज कर मंगवा लो। थैंक यू बाजी। बाजी तुमने देखा इस पुराने फर्नीचर की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इसमें शर्मिंदगी की बात है, ओल्ड इज गोल्ड, सफेद करवा लेंगे। वाह बाजी वाह। मेरी सहेलियां दिल में कहती होंगी कि हम गरीब हो गए। इशरत मैं समझती हूँ इल्म और इखलाक सबसे बड़ी दौलत है। ख्याल तो मेरा भी यही है बाजी, मगर आज के जमाने में दिखावा भी बहुत जरूरी है। आप इतनी कंजूसी भी क्या बाजी, अब्बा मरहूम हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं, आप फेंक दीजिए ना ये पुराना फर्नीचर। बिल्कुल फेंक दीजिए। देखिए ना भाई साहब, मैं बाजी को कह रही थी, तुम जो कुछ कह रही थी मैंने सब सुन लिया और मैं उसकी पूरी पूरी तारीफ करता हूँ। जी हाँ आप तारीफ करते हैं। अरे भाई जो सरप्राइज कल देना है आज दे देना। कैसी सरप्राइज? इशरत तुम्हारी बाजी लाज छुपाए मैं नहीं छुपा सकता। इस बंगले के लिए नया मोस्ट मॉडर्न फर्नीचर तैयार हो गया है और कल शाम से पहले पहुंच जाएगा। जी जी तुम्हारी बाजी ने तो महीने भर पहले ऑर्डर दे दिया था।
तो मैं यूं ही परेशान करती हूँ। बाजी मेरी अच्छी बाजी। इस वक्त दीदी आपके किसी सहेली का फोन आया है। अच्छा क्यों जी, ये तुमने इशरत से क्या कह दिया? बस कह दिया, हम तो यूं ही बातों से लोगों को खुश कर देते। अब मैं कल उसे क्या जवाब दूंगी? कल कोई और बहाना ढूंढ लेंगे, फिलहाल तो केस की तारीख बढ़ गई ना। तुम्हारी इस वकालत ने तो मुझे परेशान कर दिया है। कल आने में अभी बहुत देर है, कल के लिए आज परेशान होने से क्या फायदा। Thank you.
सुरों में के मैं ढल गई बंगले में चली गई है। बारिश बहुत तेज हो रही है, मेरा ख्याल है अंदर चल के बैठते हैं। अच्छा, अंदर जाने का इजाजत नहीं है, जरा सोचो, जरा समझो। क्या अंधे हो? ये चेन्नई कितने जोर की बारिश हो रही है? ओ, वो शायद जरा सोचो, जरा समझो। अरे बाबा, हमारा साहब बाहर गया हुआ है इस काटी कोने में, खाली पोटी में चोरी मोरी हो गया तो कौन जिम्मेदार है? अरे हम तुमको छोड़ने पे आते हैं बुद्धो कहीं पे, क्यों जो सर मंदिर चले, नहीं तो ठग लग जाएगी। अब नजर भी इधर आ गया, खुद जरा सोचो, जरा समझो। हमारा साहब आएगा तो हम उसको क्या जवाब देगा? वो बड़ा सख्त आदमी है, लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी का बना हुआ है? हम तुम्हारे साहब को जवाब देंगे। वो आदमी है ना तो दूध तो नहीं जो हमको खा जाएगा? अरे बाबा, मैं अव्वा ने बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने तुमको जन्नत से निकलवाया, तो मैं हमको नौकरी से निकलवाएगा? सोचो। खान, हम तुम्हारा मेहमान है। मेहमान है? बिस्मिल्लाह, बखैर बखैर बरकत। अंदर आओ बीबी लोग, अंदर आओ। चलो चलो, हमारा मेहमान है। मकान तो अच्छे है, इसे भी मैं खुद थक गई, बड़ी भूख भी लग रही है। गई सारा खाना तो बारिश में खराब हो गया है। चलो किचन में चल के देखते हैं, शायद कुछ खाने के लिए मिले। चलो चलो। आहा, यहाँ तो खाने का सामान भरा भरा है। अंडे भी है, घी भी है, दम रोटी भी है। तो फिर जोर से आ रही हो, चूल्हा जलाओ। ट्राई कर लेते, बड़ा मजा आएगा। चलो ये ठीक। खुदा कुआर, ये क्या करता है? जरा सोचो, जरा चुपचाप खड़े होकर देखते रहो कि हम करते क्या है। ठीक है, हम चुपचाप कर रहे हैं, तुम हमारा मेहमान है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलते हैं। चलो ये मैं सहन सकती हूँ। लीजिए, शुरू कीजिए। वे बीबी लोग, तुम पेस्ट्री और फ्रूट खाते? हाँ, ले तू भी खा। क्यों, है ना मजेदार? अच्छे। वे वो बीबी लोग क्या करते हैं? ओहो, जा कुछ सोचो, कुछ समझो। वो चेयर बनाते हैं अंडा बोल के, अंडा। वो खुदा है, तुम सारे सीजन काली कर दिया, सब समझेगा। हम तरक आ गया। ओ बाबा, कैसे समझेगा? हम उसको बोलेगा कि हमने खाया। वो तुम्हारे सामने आएगा तो तुम बोलेगा, तुम चले जाएगा तो फिर कौन बोलेगा? ओहन, घर बैठक मत करो, जाओ अपना काम करो। हम जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ चीटी लेकर दे जाएगा। या खुदा बंदा, क्या मुसीबत है? ओ बाबा, मुसीबत तो तूने हमारे सर पे। चलो चलो, सोचो, जरा समझो। ओ बाबा, ओ खोजा, कुछ सोचो, कुछ समझो। चलो खुदा बंदा, शायद कमत्ती का पाला पड़ गया। ये क्या? चोकरी लोग है। चोकरी लोग? पता नहीं साहब, आप सबका पड़का लेके शैतान का खाना है,
या तो उसके सर्च पाते के वक्त आया, बारिश हो गया, घर के अंदर घुस गया, किचन से चिकन निकाल के खाता, डबल रोटी खाता, मक्खन खाता, सब कुछ खाते, ऊपर से हंसी और तिलक भी करते। तुमने उन्हें अंदर जाने से मना क्यों नहीं किया? बहुत मना किया साहब, बहुत मना किया, मगर ये कद्दूस का बच्चा मानते नहीं है। अब आप ही बोलो, हम चौकी लोग से क्या बात करेगा, चौकी लोग से बात करने में हमको शर्मसारी होते। पकड़ बंद करो अपने। भैया खाना पीना बंद करो, बारिश थम चुकी है, आप तो सिर्फ दे चुकी है। हसीनो मह जबीनो नासनीनो, आप कौन है और मेरे इस गरीब खाने पर कैसे तशरीफ लाई? जी असल में हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, पिकनिक? जी जी। यहाँ? जी हाँ जी, नहीं वो नीचे मैदान में, हम मेरा मतलब है उधर। तो गोया आप पिकनिक मनाने कराची से यहाँ तशरीफ लाई हैं? जी नहीं, कराची से आए असल में दो दिन हो गए। अच्छा ये बताइए कि आप मेरे गरीब खाने पर कैसे तशरीफ लाई? वो जी हुआ यूँ कि बारिश आ गई और हम लोग पनाह लेने के लिए आपके घर में आ। तो गया आप सब लोग इस वक्त मेरी पनाह में। इन सब की खातिर मदारत करो। खातिर मदारत करेगा साहब, ये पहले ही चिकन से सारा माल मिसाला उठा के खा गया। क्या बकवास करते हो, ये सब चोर है? चोर भी है साहब और पेटू। जी वो हमसे गलती हो गई। जी वो आपसे क्या गलती हो गई? हो गई है ना? क्या गलती हो गई है? जी हमने किचन में से आपके अंडे डबल रोटी वगैरह सब खा लिए। ये वगैरह वगैरह से आपकी क्या मुराद है? जी पेस्ट्री बिस्किट किंडू और केला भी वगैरह वगैरह। ओके वगैरह वगैरह, इसका मतलब आप लोग घी तेल आटा चावल मिर्च मसाले सब चेक कर गए? जी नहीं, वो तो नहीं खाया। बिजारो। वैसे बाय द वे इसके अलावा आप लोगों ने और क्या क्या नुकसान किए हैं? और तो कुछ नहीं किया। अरे ये क्या किया आप लोगों ने, इतना कीमती मुजस्मा भी तोड़ दिया। ये मुजस्मा तो मेरे अंकल ने मुझे टंबकतो से तोहफा तन भेजा था। जी सॉरी, गलती से हाथ लगकर जमीन पर गिर गया। सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा मोहतरमा, आप मेरे नुकसान का हर जाना अदा किए बगैर यहाँ से वापस नहीं जा सकते। मार जाओ। अच्छा सर, तुम अपनी बंदूक लोड कर लो। अच्छा, और जब मैं कहूँ फौरन फायर कर देना। ठीक है, आज तुम्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 पे। ठीक है सर। अब चल। ये क्या बदतमीजी है, आप हमें डराना धमकाना चाहते हैं? आखिर मकसद क्या आपका? मकसद साफ जाहिर है, आप हरजाना अदा कर दीजिए और घर तशरीफ ले जाइए। कितना हरजाना है? कुछ ज्यादा नहीं, यही कोई लगभग 50 रुपए खाने पीने के और 200 रुपए मुजस्मे के। चले आप ऐसा करें, सब मिलाकर 150 रुपए दे दें। अगर हमारे पास इतने रुपए ना हो तो? कोई बात नहीं, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलवा लूंगा और जब तक मेरी रकम अदा नहीं हो जाती, आप सब हसीने महजबीने नाजनीने हवालात में सरकारी मेहमान के तौर पर क्या फरमाएंगी? क्यों बेबी, क्या ख्याल है? ये तो बड़ा चिपकू मालूम होता है। चपकू कहिए या चटकू, आप चाहे तो मुझे चपटकू भी कह सकती है, मुझे आपका हर नाम मंजूर है, लेकिन खुदा के लिए मुझे मेरे 150 रुपए वापस कर दीजिए, मैं इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकालो सब रुपए, चलो। हाँ ठीक है ठीक है, निकालो निकालो, आप लोग चंदा जमा करें, मुझे कोई इतराज नहीं है, जब तक मैं मुंह हाथ धोकर वापस आता हूँ। इतनी घबराई क्यों हो? कुछ ने राजी, वो पिकनिक पे गई थी ना,
थकी थकी हो तो जाओ बेडरूम में आराम करो। जी बाजी ये नया फर्नीचर और किससे मिलना आपको? जी ये मोहतरमा गालिबन आपकी मेरी छोटी बहन। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या काम है इससे? हाँ काम तो ये तो आप इन्हीं से पूछ लीजिए। क्या बात है ऐशो तुम इतने घबराए हो क्यों हो? बाजी ये पहाड़ी से हमारे पीछे लगे हुए हैं। क्यों जी ये क्या तमाशा है? तुम क्यों लड़कियों का तंग कर रहे हो? फिर तुम्हारी ये जुरत कि पीछे करते करते घर तक आ पहुंचे। अभी तक क्यों पुलिस को फोन? जी हाँ जरूर कीजिए पुलिस को फोन। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन पुलिस का नंबर है 333333। अच्छा पुलिस आ जाए तो कम से कम मेरी रकम तो वसूल हो जाएगी। रकम? कैसी रकम? बाजी हम लोगों ने इनके घर में घुसकर अंडे डबल रोटी बिस्किट खा लिए थे। अंडे डबल रोटी बिस्किट? अजी पेस्ट्रियां भी तो कहिए। जी पेस्ट्रियां भी। और एक अदद मार्बल स्टैचू जो आपने तोड़ा है वो भूल गई। वैसे तमाम नुकसान का रियायती मुआवजा है सिर्फ 150 रुपए और वो हम दोनों के दरमियान तय हो चुका है। क्यों मैडम? सॉरी कितनी शर्म की बात है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप तशरीफ रखिए। शुक्रिया मैं आपको अभी रकम अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी तो आपका नाम इशरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बड़ा प्यारा नाम है। वैसे गुस्से में आप इतनी खूबसूरत इतनी हसीन और इतनी प्यारी लगती हैं कि जी चाहता है ये 150 रुपए आपके सर पे से कुर्बान करके फकीरों में बांट दूं। चश्मे बदूर चश्मे बदूर। और बकवास बंद कीजिए। जबान की भी जरा तेज मालूम होती हैं आप। लेकिन खैर गुजारा तो हो ही जाएगा। क्या ख्याल है आपका? जी मेरा मतलब है जिससे आपकी शादी होगी ना वो गरीब भी बेचारा रो पीट कर किसी ना किसी तरह जिंदगी के दिन गुजार ही लेगा। जी बहुत बदतमीज है आप। अजी इसे कहते चोरी और छीना चोरी। एक तो आपने कराची में मेरी टी तोड़ दी है और वहाँ पर आप मुझे तरिया दे रही थी। यहाँ मेरे मकान में जबरदस्ती घुस गई सारा राशन चढ़ गई और ऊपर से मुझे डांट दे रही है। अरे साहब दुनिया में तो शरीफ आदमी का जिंदा रहना ही मुश्किल है। जाने दीजिए ये लीजिए अपनी रकम। और नहीं जी बाजी जी बस रहने दे आप तो। आप क्या मतलब? मतलब ये है कि जी मैं इनका रोना धोना नहीं देख सकता इसलिए कि मैं आदमी कुछ रहम दिल किस्म का वाते हुआ हूँ। आप ये जरूर लेंगे ये लीजिए और जाइए यहाँ से। अजी मोहतरमा घर बुलाए मेहमान को तरह नहीं करते। ठंडा कुछ गर्म कुछ खिलाना कुछ पिलाना लेटाना। अरे मेरी बात तो सुनिए। अच्छा देखिए अच्छा बाजी खुदा अरे अरे पापा नौकरी का टूट के गिर गए। खुदा करे ये उसी का हो। अरे मेरा दिल। वो आते हैं। कौन आता है? वो मजबीन नादनीन दिल नचीन वो कोडो पैरीन जरा सोचो जरा समझो। तुम पागल तो नहीं हो गया पाल? हम तो पागल नहीं हुआ लेकिन थोड़ी देर बाद तुम जरूर पागल हो जाएगा। वो दिन वाला नंबर वन छोकरी है। नंबर वन छोकरी? हाँ उस दिन वाला। हाँ वो किधर है खान? सब्र करो दिल पे सब्र करो। हाँ वो आ गया। तुम उसे इज्जत के साथ अंदर ले जाओ। ठीक है। नहीं साहब हम मेरे साथ में नहीं है। हम आज तक कभी छोकरी नहीं लाया। अच्छा तो फिर तुम बिल्कुल चुप करके इधर से चला जाएगा। ठीक है ठीक है। हम इधर मुंह करके जाते तुम उधर दिल पिछा। ठीक है ठीक है जाओ तुम जाओ। वो चोकी है कि तूफान है? और तुम चलाओ यार। हाँ चला दिया। ओहो जहे नसीब आप और इस गरीब खाने पर कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं। आइए जी तशरीफ आइए आइए। जी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मेरा यहाँ लॉकेट गिर गया है। लॉकेट? कैसा लॉकेट? भी जैसे होते हैं लॉकेट अगर आपने उठाया है तो प्लीज दे दीजिए ना। वाह 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 अच्छी।
रहती है, पूछना जुर्म हो गया। करती रहिए तलाश। आपकी बातों से पता चलता है कि लॉकेट आपके पास है, दे दीजिए प्लीज, बहुत कीमती लॉकेट है। वाकई? कितने का होगा भला? भाई कीमत की बात नहीं, बाजी का तोहफा है, इसलिए मुझे बहुत अजीज है। लेकिन कुछ लॉकेट का हुलिया, कुछ अता पता भी तो बताइए। सोने की जंजीर में दिल के डिजाइन का लॉकेट है। सोने की जंजीर में सोने का दिल? हाँ, जंजीर और दिल का आपस में रिश्ता तो बहुत गहरा है, लेकिन काश ये दिल सचमुच का होता और जंजीर प्यार की होती। ओहो, अब आप कहरे छोड़िए और मेरा दिल वापस कीजिए। आपका दिल? ओह, मेरा मतलब है लॉकेट, प्लीज दे दीजिए ना, तंग कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आप तो रोने लगी, रोने लगी। ठहरिए ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, और खुदा के लिए आंसू ना निकालिए, जरा हाथ लाइए। शाबाश शाबाश, ये लीजिए, आप तो तशरीफ रखिए। जी नहीं, शुक्रिया। अब दिल भी लाइए ना। अब दिल भी वापस लेंगे? दिल तो मेरे पास रहने दीजिए, अपने तोहफे के तौर पर। तोहफा मांग कर नहीं लिया जाता मिस्टर। मेरा नाम काशिफ है, आप नाम लेकर मांगिए, अभी दे दूंगा। बहुत बुरे आदमी है। ओहो, तो फिर जाने दीजिए, बुरे आदमी से अच्छाई की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। काशिफ साहब, मेरा लॉकेट दे दीजिए। ओहो, आपके होठों से अपना नाम सुनकर नशा आ गया। जरा एक बार फिर कहिए प्लीज। काशिफ साहब प्लीज, मेरा लॉकेट। अरे अब तो आप जान भी मांगेंगी तो दे दूंगा। जी नहीं, सिर्फ लॉकेट। अरे ये मिलन, ये
लगन जन्मों की सजना प्यार का बंधन टूटे ना कभी साथ हमारा छूटे ना कभी आज तुम्हें बताना होगा यह प्यार का बंधन शादी के बंधन में कब तब्दील होगा। वो देखो विहित, हंसों का कितना अच्छा जोड़ा है। हाँ जी, हमसे तो यही अच्छे हैं, न जुदाई का अंदेशा न शादी की फिक्र, बस चोंच से चोंच लड़ाई और हो गई सगाई। हंसो हंसो, अब तो हम इसी काबिल रह गए कि तुम हमारी हालत पर हंसा करो। मैं तुम्हारी हालत पे नहीं, तुम्हारी बातों पे हंस रही हूँ। तुम्हें शादी कितनी जल्दी क्यों है? जल्दी मोहतरमा, 4 साल हो गए आपकी दहलीज पे नाक रगड़ते हुए, और उधर अम्मी ने रात दिन रट लगा रखी कि बेटा घर में चांद सी दुल्हन कब लाओगे। अब उन्हें क्या बताऊं, बेटे की होने वाली दुल्हन कसम खा रखी है कि जवानी में शादी नहीं करूंगी। बुद्धू हो तुम, पता नहीं वकील कैसे बन गए। हमारी शादी होगी और जरूर होगी। आई नो बट व्हेन? बस यही कोई 6 महीने बाद। वाकई? कसम खा? तुम्हारी कसम, इतना इंतजार कर लिया, अब 6 महीने और इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हारा इंतजार तो मैं जिंदगी भर कर सकता हूँ, मगर ये 6 महीने के मियाद क्यों, अभी क्यों नहीं? अभी नहीं, इसकी वजह फिर कभी बताऊंगी। प्लीज, बुरा मान गए? जी हाँ, मगर कर भी क्या सकता हूँ। खैर चलिए, 6 महीने और सही, ऐसे चक्कर देती हूँ, वकील तो तुम्हें होना चाहिए था। आओ चले। जो कुछ कमाता है इस औरत को दे देता है। 3-4 ठो बाबा लोग है हमारा। 4 ठो नहीं, 5, छठा आने वाला। अच्छा अच्छा, तुम जो बात बोलेगा बढ़ा के बोलेगा, 5 तो 5, 6 तो 6। वकील साहब सुनो, ये बोलता है कि खर्चा पूरा नहीं होता, हम क्या चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, क्या करेंगे? हाँ, नहीं पूरा पड़ता, कैसे पूरा होएगा? तुम रोज रात को ड्रिंक करके आता है हमारे साथ और बाबा लोग के साथ दंगा फसाद करता है। हम डिसाइड किया है, हम तुमसे तलाक लेंगे, लेंगे और जरूर लेंगे। फिर तुम्हारे बाबा लोग का क्या होएगा मेरे साहब?
हम बाबा लोग के साथ रोड पर भीख मांगेगा, मगर इस आदमी के साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तुम्हारा मस्तक खराब है, पागल है तू। तुम्हारा मस्तक खराब है, शराब पीता है, बाबा लोग को भूखा मारता है। सुनो भाई, झगड़ा मत करो। मेम साहब, तुम अभी बोला तुम्हारा पांच बाबा लोग है। हाँ तो बहन साहब, तुम्हारा सबसे बड़ा बाबा कितना बड़ा है? एकदम यंग, 15-16 बरस का, विक्टर मैच्योर की माफक छोकरा। वेरी गुड। और तुम्हारा सबसे छोटा बाबा कितना छोटा है? 5 बरस का, कल हम उसका बर्थडे मनाएगा। वेरी गुड। तो मैम साहब, तुम उसका बर्थडे के दिन उसको बोलेगा कि तुमने उसका पापा से तलाक ले लिया, तो वो क्या बोलेगा? वो कुछ नहीं बोलेगा। नहीं मैम साहब, वो जरूर बोलेगा, जबान से नहीं तो दिल से बोलेगा। वो बोलेगा, मामा तुमने हमको हमारा पापा से अलग कर दिया, 18-20 साल के बाद तुमने हमारे पापा को अकेला छोड़ दिया। फिर वो अपने पापा को याद करेगा और रोएगा और तुमसे नफरत करेगा, और वो ही नहीं सारा बाबा लोग तुमसे नफरत करेगा और अपने पापा से भी नफरत करेगा, क्योंकि उनका पापा शराबी है और उनका हाथ मार के शराब पीता है। फिर एक दिन तुम सब अकेला अकेला हो जाएगा, तुम और तुम्हारा बाबा लोग। सोचो मेम साहब, फिर तुम जिंदगी कैसे गुजारेगा? सर तुम लोगों को समझाना बेकार है, तुम लोगों को डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स करवा देता हूँ। मुंशी जी स्टैंप पेपर लाइए, इन दोनों का तलाकनामा लिख डालूंगा। ए मुंशी का बच्चा, खबरदार इधर से हिला तो। पिंटो डार्लिंग, तुम देखता नहीं है वकील का बच्चा हमको सचमुच डाइवोर्स दिलाना मांगता, उठो हम घर जाएगा, बड़ा रोता होगा। हम लोग बड़े लफड़े में फंस गए। मुंशी जी, फीस कही जी सर, ट्रांसपोर्टर के केस की तारीख मैंने ले ली। गुड, अब मैं चलता हूँ। 2:15 हो गए। बाजी, आज भाई साहब नहीं आए। लो भला ये कैसे हो सकता है। हेलो हेलो, ये लो इशरत तुम्हारी महकनी। थैंक यू। फर्नीचर पसंद आया? बहुत अच्छा है, यकीनन आपकी पसंद का होगा, वरना हमारी बाजी तो बहुत ही पुराने ख्याल रखी है। देखो भाई, कम से कम हमारे सामने तो अपनी बाजी की बुराई मत किया। ये तमाम फर्नीचर उनकी पसंद का है। अब दोनों आ जाओ इधर। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें फर्नीचर तो पसंद आया। थैंक यू बाजी। बस अब एक कार ले दीजिए ना, कमीज की बड़ी प्रॉब्लम है। जरूर ले देंगे। पहले एक बात बता, तुझे को लड़का तो पसंद नहीं? क्या मतलब बाजी? मेरा मतलब है तुम्हारा किसी से रोमांस तो नहीं? जी बाजी, भाई साहब के सामने कैसे बातें करती हो? इसमें शर्माने की क्या बात है, दुनिया में सभी प्यार करते हैं, शादी करते हैं, पैदा करते हैं। पहले आप दोनों शादी कर लीजिए, फिर मेरे लिए सोचिएगा। इशो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए मैं अपने लिए सोच भी दे सकती। तुम्हारी शादी पर मैं तुम्हें एक शानदार कार प्रेजेंट करूंगा। बात यह है इशो, तुम्हारे लिए बहुत बड़े घराने से एक पैगाम आया है, वो लोग कल आने वाले हैं। तुमने सरदार शाहनवाज खान का नाम तो सुना होगा, अब्बा मरहूम के बहुत गहरे दोस्त हैं। उनका एक ही बेटा है, पढ़ा लिखा बैंक में ऑफिसर, क्या ख्याल है तुम्हारा? एक खान साहब, आप तो बड़े सियाने हैं, एक नजर में सोने और पीतल का फर्क मालूम कर लेते हैं। माशाल्लाह। आप लड़की के क्या लगते हैं जी? जी कुछ भी समझ लीजिए। समझ लीजिए? अब ये समझ लीजिए क्या मतलब? इरादा है कि इशरत की शादी हो जाए तो फिर इसे अपनी साली बना ले। मैंने कहा जी, लड़की कहाँ है जी? वो लीजिए, वो आ गई। देखी रहो, बैठो बैठो। माशाल्लाह, मैंने कहा खान साहब, लड़की तो चंदे आफ्ताब चंदे महताब है। क्यों बेटी, क्या तालीम है तुम्हारी? जी इस साल बी ए का इम्तिहान दिया। पास हो जाओगी ना? जी उम्मीद तो बहुत है। मैंने कहा खान साहब, आवाज भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह।
क्यों खान साहब, क्या ख्याल है आपका? आप तो एक नजर में सोने और पीतल का फर्क मालूम कर लेते हैं। अल्लाह मुबारक करे बेगम, अरे हमने तो पास कर दिया। तो फिर ठीक है, कल शाम मुगल क्लब का हाल बुक कर लेते हैं, 6 बजे का वक्त ठीक रहेगा। हाय गाइस। हाय, हाउ आर यू? फाइन। ओह गुड, वेरी गुड। यार आज तो तुम्हारे क्लब में बड़ी रौनक है, कोई फंक्शन? जी हाँ, मेरी बहन की एक सहेली इशरत की मंगनी है। इशरत जी? अगर तुम इजाजत दो तो आज मैं तुम्हारे क्लब में एक गाना गाऊं। गाना जरूर गाओ, गाना जरूर गाओ भाई। आज तो मौका भी है, दस्तूर भी है, और फिर तुम्हारे गाने से फंक्शन का लुक दोबारा हो जाएगा। गो अहेड। होंठों को सीखे, देखेंगे जी के
दीवाने साहब। मुन्ना बहुत परेशान है। चलिए खान साहब पे चलिए बेगम। अरे छोड़ो भी, ये लड़का था हमारी इज्जत के काबिल। तुम तो बड़े भोले हो बिटिया, अपना बुरा भला कुछ भी नहीं समझते। बेटी दौलत इतनी बुरी शय हो गई है कि अपने भी आस्तीन के साम बन जाए हैं। क्या कह रही हो बुआ? सुना, मैं सच कह रही हूँ। बड़ी बिटिया अपने घर आबाद करने के लिए तेरी जिंदगी खराब कर रही है। अपनी जायदाद रुपए पैसे का हिसाब तो मांग के देख, सब पता चल जाएगा।
हसलो, इशरत घर आ गई? जी अपने कमरे में है। इशरत, तुम्हारी बाजी ने तुमसे पहले ही पूछा था, तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो बताओ। तुम्हें मालूम है ईशु, मैंने अपनी जिंदगी की हर खुशी तुम पर कुर्बान कर दी है। मुझे सब कुछ मालूम है बाजी, मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो अच्छा है। तुम्हें गलत फहमी हुई है ईशो, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं सोच सकती। तुम्हें जो कहना है खुल कर कहो, सुनना ही चाहती हो तो सुनो। तुमने अपना घर बसाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाही। मुझे कराची पढ़ने के लिए सिर्फ इसलिए भेजा कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम रंग रली मिला सको। बेवकूफी की बातें मत करो, तुम एक पढ़ी लिखी जिम्मेदार लड़की हो, अपनी बाजी से अदब से बात करो। आप चुप रहिए वही साहब, हमारे घरेलू मामला में दखल देने का आपको कोई हक नहीं। ठीक कहा तुमने। मारो, मुझे और मारो बाजी, तुम मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दोगी तो मेरी जबान पर नहीं होगी। वही साहब ने तुम पर जादू कर दिया है, इसीलिए तो तुम उस पागल लड़के के साथ मेरा पल्लू बांध रही थी। तुम मेरी बहन नहीं, दुश्मन हो। तुम पागल तो नहीं हो गई? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। खुदा के लिए मुझे तनहा छोड़ दो बाजी, चली जाएगा। तुमने मेरी मोहब्बत और कुर्बानियों का अच्छा सिला दिया ईशो। अरे भाई, वो तुम्हारी सहेली की कुछ मंगनी या शादी वगैरह थी? जी दादी। ओ, कैसा रहा फंक्शन? फंक्शन तो बहुत अच्छा रहा दादी, मगर सहेली फंक्शन से भाग गई। भाग गई? किसके साथ? किसी के साथ नहीं दादी, अकेली भाग गई। उसने उस लड़के के साथ मंगनी करने से इनकार कर दिया। वेरी गुड, अगर अकेली भागी है तो लड़की को ट्रॉफी मिलना चाहिए, बोल्ड गर्ल। वैसे ये अच्छा हुआ कि लड़की ने शादी से पहले इनकार कर दिया, अगर शादी के बाद इनकार करती तो लड़के को बड़ी प्रॉब्लम्स पड़ जाती। लीजिए डैडी, वही आ गई। सनम, ओ सनम। अरे आओ इशरत, अबे तुम्हारे जिगर में सच्ची तुम्हारे तुम्हारी। अच्छा अच्छा, तो ये है वो बहादुर लड़की। वालेकुम सलाम। बरखुरदारा, कैसी हो? मेरा मतलब है कल वाले खुशगवार हादसे के बाद अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी अच्छी। आयुषो मेरे कमरे में चलो। अगर तुम बाजी से नहीं कह सकती थी तो मुझसे कह दिया होता। तुम क्या करती? मैं बाजी से कह देती कि तुम काशिफ से प्यार करती हो। प्यार? आज के जमाने में कौन किसे प्यार करता है? क्या मतलब? जब बहन का प्यार दौलत के लालच और खुदगर्जी के सामने हथियार डाल सकता है तो फिर गैरों के प्यार का क्या भरोसा? प्यार व्यार कुछ नहीं, सब मतलब होता है। क्या 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 इशू? जरूर तेरे किसी ने कान भरे। कराची से जब तू आई थी तो तू ऐसी तो नहीं थी। अच्छा, तो अब तू मुझे लेक्चर देने लगी। अगर अब तुमने कोई बात की ना तो मैं उठ के चले जाऊंगी। अच्छा बाबा, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी ईशो। अच्छा ये बता, तेरे क्या इरादे हैं? हाँ, सोच रही हूँ कि कोई सर्विस कर लूं या कोई कारोबार शुरू कर दूं। कारोबार? हाँ, जिंदगी बसर करने के लिए पैसे की जरूरत तो होगी। अब्बा जान जो कुछ छोड़ गए हैं वह ऐसा ऐसा खर्च हो गया तो फिर क्या होगा? शादी कर ले कम्बा, नहीं तो पागल हो जाएगी। शादी तो खैर मैं करूंगी नहीं, बाजी से अपने हिस्से की जायदाद लेकर कोई अच्छा सा रिस्पेक्टेबल बिजनेस करना चाहती हूँ। अगर बाजी मेरा हिस्सा खुद ही अलग कर दे तो अच्छा है, नहीं तो कहना पड़ेगा। तू गई दुनिया के काम से, कारोबार खाक करेगी। जज्बाती फैसले अक्सर गलत होते हैं ईशो। यार मैं तुमसे मशवरा लेने नहीं आई, घर में ठीक घबरा रहा था इसलिए चली आई। आप कुछ खिला पिला भी, रात भर से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे नाच रहे हैं। अरे वाकई? अरे अभी लेके आई, जरा जल्दी आना। अच्छा जरा सुनिए। जी फरमाइए। आप तालीम याफ्ता मालूम होते हैं और तालीम इंसान को दिलेर बनाती है, बुजदिल नहीं। जिस शख्स में अखलाकी जुर्रत ना हो उसे किसी शरीफ लड़की से प्यार करने का कोई हक नहीं। मैं बुजदिल आदमी नहीं हूं भाई साहब, मैं खुद इस सिलसिले में आपसे मिलना चाहता था। बहुत देर से फैसला किया आपने,
अगर इशरत की मंगनी हो जाती तो आप क्या करते? ये तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या करता। बहरहाल मैं ये जानता हूं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं और उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता हूं। आप काम क्या करते? जी मैं आर्किटेक्ट हूं, रॉयल बिल्डर्स में। अच्छा, कोई जायदाद? जी नहीं, मेरे वालदेन बहुत गरीब थे और इस मुलाजमत के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। मुनासिब होगा अगर आप अपने किसी बुजुर्ग को रिश्ता मांगने के लिए इशरत के यहाँ भेज दें, मैं भी आपके लिए कोशिश करूँगा। मेरे वालदेन का इंतकाल हो चुका है भाई साहब, यहाँ मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। आप ही मेरी वकालत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ उसे हमेशा खुश रखूंगा। मुझे यकीन है आप सच कहते हैं, मैं नुसरत से आपके लिए बात करूँगा। शुक्रिया भाई साहब, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपका नाम? मुझे काशिफ कहते हैं और इसी प्रोजेक्ट में मेरा ऑफिस है। वेरी गुड, अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। शुक्रिया। सुबह से कुछ नहीं खाया बीबी, ये दूध तो पी लीजिए। फजलू, छोटी बेबी कहाँ है? उन्होंने सामने वाले कमरे में बिस्तर लगवा लिया है और बुआ नसीबन से बैठी बातें कर रही है। अल्लाह कसम, रोटी नसीब ना हो जो झूठ बोले। तुमको तो भेज दिया कराची, इधर रोज वकील की धातें हो रही हैं, पुलाव जर्दे पक रहे हैं, एक से एक बढ़िया खाना पक रहा है, आए सूट पे सूट सिलवाए जा रहे हैं उसके लिए। मैं तो दिन रात कुर्ती रहती थी, मगर नौकरानी जात करके क्या सकती थी। क्या जहर के इंजेक्शन लगा रही हो हराम को? आज मुझे मालूम हुआ ये सब बात तुम्हारी लगाई हुई है। उठाओ अपना बढ़िया बिस्तर और निकलो यहाँ से। देख रही हो छोटी बीबी, इसे कहने नेकी बराबाद और गुना लाजम। बुआ नहीं जाएगी, मैं कहती हूँ बुआ जाएगी और जरूर जाएगी। इस घर में मेरा भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। अगर सच्ची बात इतनी ही कड़वी लगती है तो बंटवारा कर दो। बंटवारा? हाँ हाँ बंटवारा। मैंने बड़ी बहन समझ कर तुम्हारा बहुत लिहाज किया, मगर अब तो मैं अपने माँ बाप की छोड़ी हुई जायदाद की एक एक पाई का हिसाब लूंगी। हिसाब लूंगी मुझसे? अच्छी बात है। की वसीयत और ये कागजात पढ़ ले। मैंने जेलम और मुल्तान की तमाम जमीनें तुम्हारे नाम कर दी हैं और ये तमाम जेवरात जिनकी तफसील डैडी की वसीयत में दर्ज है, ये जेवरात मैंने तुम्हारी शादी के लिए बैंक से निकलवाए हैं। ये दस्तावेज भी पढ़ लो। ये तमाम जेवरात जिनमें मेरा भी हिस्सा है मैंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं। 4 लाख रुपए नक जो बैंक में मौजूद थे, इनमें से 1 लाख रुपया तुम्हारी तालीम, कपड़ों और किताबों पर खर्च हुए। इन फाइलों में इसकी रसीदें हैं। 1000 रुपये महीने के हिसाब से मैंने इस घर में खर्च किया, जिसमें नौकरियों की तनख्वाहें भी शामिल है। बाकी तमाम रकम मैंने तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दी है। मैंने अपने हिस्से की एक एक पाई तुम्हारे नाम लिख दी है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। और तुम कहती हो कि मैं तुझे लूट कर वहीद का घर भर रही हूँ, या वहीद मुझसे इसलिए मोहब्बत करता है कि मैं एक मालदार लड़की हूँ। ये तमाम कागजात वहीद ने अपने हाथों से तैयार किए हैं। आज मैं इस घर से जा रही हूँ अपने कपड़ों का एक अटैची केस लेकर। तुम अगर चाहो तो उसकी भी तलाशी ले सकती हो। क्यों बुआ, ये काटे बर्तन और बीबी के रेशमी सूट अपने संदूक में भर लिए हैं बड़े आसानी से। अभी पुलिस को इतला करता हूँ मैं, इतने कोड़े पड़ेंगे कि दाल रोटी के भाव का तुझे पता लग जाएगा बेईमान। हजलू, बुआ को कुछ मत कहो। बुआ तुम रहो इशरत के पास,
मैं जाती हूँ। बाजी फजलू, इस बुढ़िया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। बाजी 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 मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने तुम पर शिकवा किया, ये मेरी भूल थी, मुझे माफ कर दो बाजी, मुझे जाने दो इशरत। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया बाजी तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं मर जाऊंगी बाजी, मैं मर जाऊंगी। मुझसे माफी क्या मांगती है, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, माफी तो तुम्हें भी हिसाब से माननी चाहिए, जिनकी तूने तोहीन की है वो एक फरिश्ता सीरत इंसान है, उनका दिल क्या कहता होगा। तो तुमने तुमने मुझे माफ कर दिया बाजी? हाँ ईशो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया बाजी। ईशो सलाम है कैसे बीबे? वालेकुम सलाम। वही साहब हैं जी? हैं तो नहीं, अभी आ जाएंगे, आप अंदर तशरीफ रखें। हम तो यही बैठे हैं आपके पास, अकेला कौन बोर हो। जी जी जी। ये क्या कर रहे हैं आप? जी कोई खास काम नहीं, आपके बंगले के फर्नीचर का बिल चेक कर रहा हूँ। हमारे बंगले का फर्नीचर? जी हाँ, पिछले हफ्ते जो वही साहब ने आपके यहाँ 40,000 रुपए के फर्नीचर भिजवाया था। 40,000 रुपए का फर्नीचर तो वही साहब ने भिजवाया था, आपको मालूम नहीं? हाँ हाँ मालूम तो है, मुझे ये मालूम नहीं था कि वही साहब ने भिजवाया है। शाबाश है इशरत, तुम यहाँ? हाँ अंदर आओ। क्या बात है इशरत, खैरियत तो है? मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफी किस बात की? मैंने आपसे बदतमीजी की थी ना। तुमने कोई बदतमीजी नहीं की इशरत, तुमने बस मुझे आईना दिखाया था। नहीं वही साहब, ऐसा ना कहिए, अगर आपने मुझे माफ ना किया तो मैं अपना गला खोद लूंगी। तो फिर लाओ, मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला खोद दूं, ताकि मुझे ये तस्कीन तो हो कि तुम्हें सजा मिल गई। तो देखिए मेरा गला खोद दीजिए। चलो अब जाओ, बहुत काम है मुझे। थैंक यू। गो। प्लीज। आप इस क्लब के मालिक हैं सलीम साहब? मैं तो सिर्फ एक मैनेजर हूं, मालिक तो एक रिटायर कर्नल साहब हैं जो लाहौर में रहते हैं। सोचता हूं कि अपना कोई जाती क्लब या होटल कायम करूं, मगर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं। 50-60 हजार रुपया है मेरे पास, किसी अच्छे से पार्टनर की तलाश। वैसे ये कारोबार है बड़ा मुनाफे का। आपको इस कारोबार के लिए कितनी रकम की जरूरत है? कम से कम 1,00,000। अरे हाँ इशरत, तुम्हारे बंगले के सामने से जब भी गुजरता हूं तो यह ख्याल आता है कि अगर इस बंगले को एक होटल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो शहर के तमाम होटलों का दीवाला निकल जाए। ऐसी क्या बात है हमारे बंगले में? यही तो तुम नहीं समझती, इतने बेशुमार कमरे, खुले खुले बरामदे, खूबसूरत लॉन, बस यूं समझो कि बना बनाया होटल है। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेंट्रल जगह पे है, एक तरफ शहर की आबादी, दूसरी तरफ सिविल लाइन। सच कहता हूं इशरत, अगर तुम जरा सा इंटरेस्ट लो और कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो तो 1 साल के अंदर अंदर हम लखपति तो क्या, करोड़पति बन जाएंगे। अब आपने कहा है तो मैं बाजी से बात करूंगी। सिर्फ बात ही नहीं करना बीबी, उन्हें रजामंद भी कर लेना। तो इशरत का ख्याल है कि वो होटल चला सकती है? ख्याल ही नहीं, उसे यकीन है। आजकल औरत अगर सौदा लेने के लिए बाजार भी जाए तो गुड्डों की बुरी नजरों और लोगों की फिक्रबाजी का शिकार हो जाती है। वो तो है, लेकिन जरा सोचो नुसरत, जब यहाँ होटल खुल गया तो यहाँ तरह तरह के लोग आएंगे, अच्छे बुरे, उस वक्त तुम किस किस की जबान रोकोगी? इशरत का कहना है ये तरक्की पसंदी का जमाना है, आज की औरत अगर अदालत से लेकर असेंबली हाल में पहुंच सकती है, मुल्क की हुक्मरान बन सकती है, तो क्या एक होटल नहीं चला सकती? अदालत और असेंबली की और बात है, किसी सरकारी महकमे में अच्छे ओहदे पर पहुंचने के बाद उस औरत के साथ हुकूमत का रोह होता है, उसकी तालीम और काबिलियत का दबदबा होता है,
लेकिन होटल की मालकिन का ताल्लुक आम पब्लिक से होता है। ग्राहकों में अच्छे बुरे सब होते हैं, जिससे निमटने के लिए बड़े हौसले और हिम्मत की जरूरत है। नहीं नुसरत बीबी, मेरी लाख राय में ये कारोबार तुम और इशरत जैसी लड़कियों के लिए नहीं। ठीक है, मैं तो समझ गई, इशरत को भी समझाओ ना। इशरत को मैं समझाऊं? ना बाबा ना, वो कहेगी वही साहब पुराने ख्यालात के आदमी ऑर्थोडॉक्स, मेरी हौसला शिक नहीं करते। तो फिर क्या किया जाए? कर क्या जाए? इंतजार। इंतजार किसका? वक्त, क्योंकि वक्त इंसान का सबसे बड़ा उस्ताद है। लीजिए। जसूर खानम, आपको मुबारक हो और आपको भी इशरत। असलम साहब, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। जसूर खानम, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। फरमाइए। बिजनेस शुरू होने से पहले किसी से तस्करा ना कीजिएगा, और वो वही साहब क्यों ना हो। देखिए ना, मैं यहाँ 3,000 रुपए महीने पर मुलाजिम हूँ। अगर ये बात खुल गई तो मेरी मुलाजमत जाती रहेगी। इस कुर्सी पर बैठकर मैं आपके होटल के सिलसिले में बहुत से काम बड़ी आसानी से करवा सकता हूँ। समझ गई आप? जी समझ गई। बरखुरदार, इनमें से कोई एक खातून आपके ख्यालों की शहजादी मालूम होती है, क्योंकि इन्हें देखकर आप कुछ इस कदर गुमशुदा हुए कि आप अपनी चाय पीना भूल गए। वैसे मियां, एक बात का ख्याल रखो, सिर्फ ख्याली पुलाव से इंसान का पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए सचमुच के पुलाव की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, ठीक कहते हैं आप। बात सुनो, ये अच्छी डिश मंगाई है साहब आपने हमारे लिए, वैसे छोटे का गोश लगता है। जी हाँ, देखो तुम ऐसा करो, साहब के लिए एक प्लेट बिरयानी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ठीक है? आज जब तक बिरयानी खाइए, मैं अभी हाजिर हुआ। मैं खूब समझता हूँ बरखुरदार, ये इश्क भी एक किस्म की दूसरी भूख का नाम है। बहरहाल आप अपनी भूख कीजिए, हम अपनी भूख का इलाज करते हैं। हेलो काशो। हेलो, बैठो यार। कोई चाय काफी? नो थैंक यू, मैं अभी भी बाहर खाने का ऑर्डर देके आया हूँ। मैं तो बस तुमसे यूं ही मिलने चला आया था। क्या बात है इस्लाम, बड़ी फॉर्म में जा रहे हो आजकल। वैसे बाय द वे, ये साहबजादियाँ किस तकरीब में तशरीफ लाई थी? तुम्हारा मतलब है इशरत और नुसरत? अरे ये तो अक्सर यहाँ आती जाती रहती हैं। इशरत जो है ना, वो सनम की सहेली है, लिहाजा कभी कभार मेरे दफ्तर में चाय पीने आ जाती है। ना 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 भाई, मुझे तो तुम कुछ नर्वस दिखाई दे रहे हो, जरूर कुछ दाल ना काला है पार्टनर। मियां, ये मुगल क्लब है, यहाँ दाल वाल नहीं पकती, लिहाजा काले पीले का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे काशू यार, तुमसे एक प्राइवेट काम करवाना है। वो क्या? एक बंगले की डेकोरेशन है, मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारी निगरानी में हो। कौन सा बंगला है? एक बंगला फिलहाल तो रिहायशी है, मगर उसे होटल में कन्वर्ट करना है। अरे जरूर करूंगा। वेरी गुड, तो फिर मैं तुम्हें खबर भेज दूंगा। लेकिन साथ में एक अदद एडवांस का चेक भी। चेक नहीं, कैश मेरे यार, कैश। ओह वेरी गुड। बाजी, बाजी आइए। बाजी, मैंने इशरत और सनम को 5,000 एडवांस देकर अपने एक आर्किटेक्ट दोस्त के पास भेज दिया है। वो जो नीचे वाला हॉल है ना, उसकी वो नए सिरे से डेकोरेशन करेगा। ऐसा अच्छा काम करेगा कि आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। मेरी खुशी का क्या है भैया, इशरत की मर्जी के मुताबिक काम होना चाहिए। ऐसा ही होगा। अच्छा सनम और इशरत वापस आ जाए ना, तो मुझे क्लब टेलीफोन कर दीजिएगा। जरा जल्दी आ। बाय बाय। रख लीजिए। आप तो गिनकर लाई होंगी, टेबल पर रख दीजिए। असलम साहब मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकते।
इसलिए हम दोनों को आना पड़ा। सजा नवाजी है आपकी, मैं आज ही काम खत्म करके कल आपके पास जरूर हाजिर हो जाऊंगा, क्योंकि बंगले को अंदर से देखना बहुत जरूरी है। जरूर तशरीफ लाइएगा। वैसे इस काम के अलावा आप गाना भी अच्छा गा लेते हैं, क्यों सनम? हाँ, बहुत अच्छी आवाज है इनकी। वाकई आपका शुक्रिया। कुछ चाय वाय पिलवाऊं आप लोगों को? जी नहीं, आपने ये सुनकर कि हम लड़कियों ने होटल खोलने का फैसला किया है, हमें कोई नसीहत नहीं की? जी नहीं, अपने फैसलों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने वालों को सिर्फ वक्त ही नसीहत कर सकता है। आप तो बहुत समझदार हैं। गरीब के पास अगर थोड़ी सी समझ भी ना हो तो अमीर उसे कहाँ जीने देंगे मैडम। और ये बताए आप आएंगे कब? मैंने अर्ज किया ना, मैं कल आ सकूँ। आज तो मुझे ये काम खत्म करना है। जी बहुत बेहतर, खुदा हाफिज। चलो सुनो, चलो। हेलो, मैं नुसरत बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वही सब हैं? जी नहीं, वो तो लाहौर गए। लाहौर के? कब आएंगे, कुछ मालूम है? जी नहीं, बता के नहीं गए। अच्छा, बात कम करती है, गुस्सा ज्यादा दिखाती है, कमाल है। सही है, बात है। ये देखिए, यहाँ होगी म्यूजिशियंस के लिए स्टेज, समझ में आए? और यहाँ होगा काउंटर। नहीं नहीं, स्टेज इधर नहीं, उधर होनी चाहिए। अरे वाह, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है, और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो प्रैक्टिकल बनाइए। वाह वाह, ये भी कुछ जवाब हुआ। तो आप इसी काम के लिए तो पैसे दिए? पैसे दिए हैं। जी हाँ, 5,000 नग, वो भी एडवांस। 5,000 जी नग? जी जी, वो भी एडवांस। हाँ जी, ले लीजिए अपने पास। हाँ ये रहे, ये लीजिए, मैं अपने अफसर से खुद बात कर लूंगा। भैया सच आप कौन होते हैं? मार्कम मैं हूँ, इख्तियार मेरा है। मोहतरमा, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने वाले को अक्सर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तुम काम करोगे कि नहीं? तुम? अरे अरे अरे, इतना फ्री? तुम कल वापस लो जी। नहीं लूंगी। नहीं लोगी? जी नहीं। अच्छा, तो फिर मैं भी आपको तुम कहूंगा। अरे तुम बेवकूफ हो, तुम। क्या क्या क्या, मैं बेवकूफ हूँ? हाँ हाँ हाँ, बेवकूफ, खुद पसंद और जिद्दी। वो तो सूरत कदर गनीमत है, मगर सूरत से दिमाग का कोई ताल्लुक नहीं है मोहतरमा। दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, इसीलिए तुम बेवकूफ भी हो, मगरूर भी हो। बेवकूफ? अरे जाओ जी, जाओ जाती हो तो मैं तुम्हें रोकने रोकने वाला नहीं हूँ। कि मोहतरमा रुक जाइए, अगर आप नहीं रुकेंगी तो मेरी दुनिया लूट जाएगी। अरे ये डायलॉग फिल्मी हीरो बोलता हूँ, मैं नहीं बोल सकता। हीश जाती हो तो जाओ। अरे होना क्या है बाजी, बस हर वक्त अपनी दौलत का रोक जमाती रहती है, ये करो वो करो फला करो। हाँ मैं समझी नहीं बाजी, मैंने जो प्लान बनाया था ना उसमें बिल्डिंग की तोड़फोड़ भी कम है और पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे। मगर मैं कहती हूँ बाजी, ओ इशरत, जिसका काम उसी को साजे, इन्हें काम करने दो। और एक बात और सुन लीजिए बाजी, मैं काम करूंगा बिल्कुल मुफ्त। अरे नहीं भाई, तुम्हारी मेहनत का मुआवजा तुम्हें मिलना चाहिए। बाजी अब ये मेरी इज्जत का मसला बन गया है, वैसे ये तजुर्बा बराए ख्वातीन नाकाम होगा। आपकी नसीहत का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इशरत, अब तुम काशिफ से लड़ा मत करो। वो क्यों बाजी? इसलिए कि उसे हमने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है बाजी। बन गई है तुमसे मिलके गजल बन गई है, हर तमन्ना कमल बन गई है तुमसे मिलके गजल बन गई है, जिंदगी बात ही बात में, जिंदगी बात ही बात में। कितनी खुशियां मुझे दे गई है, कितनी
जैसे राही को मिल जाए मंजिल, जैसे झरने को मिल जाए सागर, जैसे कश्ती को मिल जाए साहिल, तुमसे पहले अजब ही समा था। रास्ते में धुआं है धुआं था, धूप निकली है बरसात में, धूप निकली है बरसात में, धोखड़ी की मुलाकात में, धोखड़ी की मुलाकात में। पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, माल आज ही निकलना चाहिए। अगर माल आज नहीं निकलेगा तो हमें 10 लाख का नुकसान होगा और पार्टी हमसे डैमेज वसूल करेगी। वो जान जोखिम का काम है साहब, एक एक बंडल फाड़ कर रास्ते पैदल ले जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ज्यादा खतरा ज्यादा मुनाफा, इसके लिए हम तुम्हें एक्स्ट्रा मुआवजा देंगे। ये लो 5,000, इसे अपने साथियों में बांट देना।
पुलिस के घेरे में हो, अपनी जगह से कोई रह ले वरना मार दिए जाओगे, अपने हथियार फेंक दो। पुलिस ने अचानक छापा मारकर सारा माल छीन लिया, हमारे सब साथी मारे। मैं अपनी जान बचाकर बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ बॉस, मैं तो लूट के बर्बाद हो गया, असलम भाई में तो कंगाल हो गया। किसी ने हमारी मुखबरी कर दी है, घबरा नहीं सेठ, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक हो जाएगा साला, जो कुछ मेरे पास था वो सब कुछ स्ट्रीट पे लगा दिया क्या? अरे सेठ रोते क्यों, कारोबार में नफा नुकसान तो होता ही है, हम तुम्हें भूखा नहीं मरने देंगे। देखो सुनो, अगले ट्रिप में 50% कमीशन तुम्हारा होगा, ठीक है? हेलो नासर, कहां से बोल रहे हो? हाँ वफा ने मुझे सब बता दिया था। क्या सब मारे गए? वेरी सैड। अच्छा सुनो, तुम कुछ दिनों के लिए गोदाम में चले जाओ, पुलिस से महफूज रहोगे। माल? अरे माल की परवाह न करो, देखा जाएगा, समझे? नासर भी बच गया, कुछ दिनों के लिए ये धंधा बंद करना पड़ेगा। स्वाय संगम होटल के सारा कारोबार बंद, संगम होटल। संगम होटल जी? ओफो जी, शट अप। हेलो जी, संगम होटल जी, आज आपका टेलीफोन। हेलो ओफो, क्या बकवास है, किसका फोन था? हाँ वो बाजी बस है, ऐसे ही बस है। ऐसे ही बस है। ओफो आप वहां नहीं जा सकते? होटल की मालकिन है, खान बहादुर की छोटी बेटी। सब बोलो,
वो इसी तरह देख रहे हैं। अरे मार तो आप थे। अरे मैं तो हट गया यार, अब तो मेरे बाप की सारी कमाई इसी होटल में जाएगी। इसी होटल में तुम्हारा शायद कभी पहुंच जाए, अब तो यही करना पड़ेगा। बिजनेस में जूते रसीद नहीं किए जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं। आप यहाँ से जा नहीं सकते? चले जाते हैं। आपका एक और टेलीफोन। शुक्रिया। अच्छा भाई, ये होटल ख्वातीन किस दिमाग की जिद्द है? ये होटल मेरी सहेली इशरत और बाजी नुसरत ने शुरू किया है डैडी। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, खान बहादुर अहमद हसन खान की बेटियां अब इस तरह का होटल चलाएं। माशाल्लाह। ये कहीं वो कहीं वो जो तंग कपड़ों में है? जी हाँ, बिल्कुल वही है। अच्छा भाई, तो कम से कम मैं उन्हें मुबारकबाद दिया बेटे, जरा पतलून हटाना। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं भी जरा अपनी सहेली से बात करूं। आदाब। आदाब। मुबारक हो बरफरदारी, बहुत ही अच्छा कारोबार खोला है। शुक्रिया। वैसे आज से 15 साल पहले इसी कमरे में जो गालिबन ड्राइंग रूम हुआ करता था, खान बहादुर साहब से मुलाकात की थी, और वो जगह जहां आज स्टेज बना हुआ है, जहां वो ख्वातीन जिंदा नाच गाने में मसरूफ हैं, वहां एक तख्त होता था, उस पर एक जा नमाज होती थी और खान बहादुर साहब नमाज पढ़ते थे और कलाम पाक की तिलावत करते थे। आज वहां मुझे कुछ ढोल बाजे ताशे नजर आ रहे हैं। वैसे बड़ी अच्छी तब्दीली है भाई, शुक्र है कम से कम तुम लोगों ने कपड़े तो पहने हुए हैं। और ये तब्दीली भी भाई बुरा न मानना बेटी, आजकल के माशरे के हालात के ऐन मुताबिक है। नहीं? आप गालिबन खान बहादुर मरहूम की शुरू से बड़ी बेटी हैं। जी। तो फिर आपको भी मुबारक हो, खानदान का नाम रोशन कर दिया है आपने। वैसे खान बहादुर मरहूम की रूह ये बाजे सुन के इस वक्त बड़ी खुश हो रही होगी। हाथ पैर का कुछ शुरू हुआ? एक थप्पड़ से गुजारा हो जाएगा या तुम्हें दूसरा भी चाहिए? शर्म कर। ओफो भाई, क्या हुआ? क्या बदतमीजी है, एक तरफ से बेचारे का मुंह लाल कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ से बैलेंस है। जा बेटे, जा घर। चलो चलिए डैडी, घर चलिए। घर कहाँ जाना, अभी तो महफिल शबाब पे आई है, जरा हाथापाई शुरू हुई है। लाल भेजिए इस महफिल पर, आइए घर चलिए। अच्छा, खुदा हाफिज़। हेलो भाई, वर्दी में ना आते तो अच्छा था। ड्यूटी पर हूँ गैरे, तुमने बुलाया तो चला। खैर चलो, आओ तुम्हें मिलवाऊं। इनसे मिलिए, ये इशरत है और ये नुसरत, इस होटल के मालिक। अरे असलम साहब, आप? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? भाई आप यहाँ कैसे? देखिए ना, इस होटल का सेहरा भी इन्हीं के सर। मगर आप तो मुगल क्लब में थे। जी, मुगल क्लब में मैं काम करता था, वहां से छोड़ दिया। कहिए क्या पिएंगे आप, ठंडा या गर्म? जी कुछ नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब, ठहरिए। रोजी। अच्छा भाई, इजाजत। अरे जरा सुनो तो, मैंने इनका तुमसे अभी तक मुफस्सिल तारुफ नहीं कराया, नुसरत मेरी मंगेतर है, जरा होटल का ख्याल रखना यार। मुझे सब मालूम है, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आऊंगा और फिर बातचीत होगी। ठीक, खुदा हाफिज़। सारा स्टाफ घरों को जा चुका है, नुसरत और इशरत ऊपर कमरे में गहरी नींद सो रही है।
यही मौका है, 3 और 4 के दरमियान होटल का वैगन ले जाओ और पुराने गोदाम में से सारा माल निकाल कर होटल के पिछले कमरों में बंद कर दो, समझे? यस बॉस, अब तुम जा सकते हो। बॉस, ये पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ भी आ पहुंचा? क्या फर्क पड़ता है, हम यहाँ मुगल क्लब से ज्यादा सेफ हैं। तुम अपना काम होशियारी से करो, पुलिस को मैं संभाल लूंगा। बॉस, ये काशिप और वहीद भी हमारे रास्ते के कांटे हैं। जानता हूं, वक्त आने पर ऐसा निकालूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अमीर खान, यस बॉस, तुम चौकीदार की वर्दी पहनकर गेट पर चौकीदारी करो और चारों तरफ नजर रखो। ओके बॉस। हेलो, बैठो यार। मेरे इतने सवेरे आने पे तुम नाराज तो नहीं हुए? अरे नहीं भाई, दोस्त तो जब चाहे आए। हाँ, तुम क्या कहने चाह रहे थे? यूं तो हर होटल, खा वो नया हो या पुराना, पुलिस की नजरों में रहता है, लेकिन संगम होटल का ताल्लुक इनडायरेक्टली तुमसे भी है, इसलिए मैं उसका खास ख्याल रखूंगा। हाँ, लेकिन मेरी राय में लड़कियों को यह बिजनेस सूट नहीं करता। शुक्रिया, मैंने तो सख्त मुखालिफत की थी, मगर इशत को जरूरत से ज्यादा ही खुद एतमाद है। खैर, तजर्बे से देख लेंगे, लेकिन कल मुझे वहां एक खतरा नजर आया। खतरा? कैसा खतरा? असलम संगम होटल में मुलाजिम है। उनके बिजनेस टर्म्स क्या है मुझे मालूम नहीं, मेरा ख्याल है वो मुलाजिम भी है और पार्टनर भी, मगर बात क्या है? ये शख्स पुलिस की नजरों में सख्त मशकूक है। मशकूक? लेकिन उन दोनों को तो असलम पे अंधा एतबार है, बजाय तो वो खुफिया पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक असलम बहुत बड़ा समगलर है, शराबी और अजाश भी है। ये तुम क्या कह रहे? मैं नुसरत और इशरत के खानदान की बहुत इज्जत करता हूँ, और तुम भी मेरे अजीज दोस्तों, मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि लड़कियों को उससे दूर रखो। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। क्या बात है वहीद, आज कुछ परेशान परेशान से नजर आते हो। कोई बात नहीं। कोई बात तो जरूर है, तुम यूं चुप चुप रहने वाले तो हो नहीं, बताओ ना। अब क्या बताएं नुसरत खानम, अगर आपसे तवक्को होती कि आप मेरी कोई बात मानेंगी तो ये परेशानी होती क्यों? क्या मतलब, मुझसे कोई भूल हुई है? भूल? इसे तुम भूल कहती हो? इतना बड़ा ब्लंडर किया है तुमने कि जिसका जवाब नहीं। क्या कह रहे हो, खुल के बात करो ना। तुमने असलम के साथ कारोबार का जो एग्रीमेंट किया है, और वो भी मेरे मशवरे के बगैर, इससे बड़ा ब्लंडर और क्या हो सकता है? तुम्हें नहीं मालूम असलम कितना बुरा आदमी? इतना बुरा भी नहीं जितना तुम समझते हो, और फिर ये एग्रीमेंट मेरी मर्जी से नहीं, इशरत की खुशी से हुआ है। इशरत, 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 हमारी शादी नहीं हो सकती इसकी वजह इशरत, घर होटल में तब्दील हो गया इसकी वजह इशरत, तुमने असलम से एग्रीमेंट किया इसकी वजह इशरत। मैं पूछता हूँ, आखिर कब तक इशरत की उंगली थामे अंधेरों में भटकती रहोगी? इशरत ना हुई एक मुसीबत होगी। वहीद, इज्जत के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करती। इज्जत मेरी बहन ही नहीं, मेरी कमजोरी भी है। तुम मेरी इज्जत को अपने लिए मुसीबत समझते हो, तो फिर मेरे से जिंदगी कैसे गुजारोगे? अहमक हो तुम, मैं इज्जत के खिलाफ नहीं, उसके गलत फैसलों के खिलाफ। असलम एक बदमाश स्मगलर और बद किरदार इंसान है, एक ना एक दिन तुम दोनों उसके बिछाए हुए जाल में फंस जाओगी और फिर पछताने से भी कुछ नहीं होगा। आपके मशवरे का शुक्रिया वकील साहब, इज्जत के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मुझे अफसोस नहीं होगा। अरे सुनो सुनो नुसरत, सचमुच खफा हो गई? झुके झुके नैनो वाले चैन मेरा ले गए, झुके नैनो वाले चैन मेरा ले गए, दर्द
अनोखा मेरे मनवा को दे गए झुके झुके नैनों वाले चैन मेरा ले गए दर्द अनोखा मेरे मनवा को दे गए झुके झुके नैनों वाले एक पल को चुपके से कुछ ऐसे देखा पल को ही पल को में बस एक पल को चुपके से कुछ ऐसे देखा हमको देखना पाए इन नैनों ने कैसे देखा आँख मिचोले खेले रंग बिन होली खेले तन मन भिगो गए झुके झुके नैनों वाले चैन मेरा ले गए दर्द अनोखा मेरे मनवा को दे गए झुके झुके नैनों वाले कचरे की धार न पूछो दस गए कचरा करे साबन के बदरा करे कांटे चुभ गए झुके झुके नैनों वाले चैन मेरा ले गए दर्द अनोखा मेरे मनवा को दे गए झुके झुके नैनों वाले चैन मेरा ले गए दर्द अनोखा मेरे मनवा को दे गए झुके झुके नैनों वाले कागज पे साइन कर दो इशरत दस्तखत करने से पहले मैटर जरा अच्छी तरह पढ़ लिया करो जी मुझे असलम साहब पर पूरा पूरा भरोसा है वो तो ठीक है लेकिन फिर भी दस्तखतों के मामले में जरा होशियार रहना चाहिए तुम बिजनेस के मामले में मत बोला करो ओके जी हम तो खाना खाने आए थे आओ बेटा काशिफ को टोक कर तुमने बहुत अच्छा किया इशरत इसे हमारे कारोबार में इंटरफियर नहीं करना चाहिए आप बेफिक्र हैं मैं काशिफ को समझा दूंगी हेलो जी संगम होटल जी आपको रूम मिल जाएगा आप तशरीफ ले आइए शुक्रिया भाई ख्यालों ही ख्यालों में इस जगह पर आ गए हैं ये होटल ख्वातीन है ना कमाल करते हैं डैडी रोजाना आप इस होटल में आते हैं और आपको नाम याद नहीं
बस ख्यालों ही ख्यालों में भूल जाती हूँ। ओफ असलम भाई, ये तो अंकल का अपना होटल है। आइए अंकल, तशरीफ रखें, कोई चाय वाय पियेंगे? हाँ भाई, अगर बहुत मजबूर करोगी तो पी लेंगे। अच्छा रुबीना, चाय करो। ये रुबीना शादीशुदा है। ओह नहीं अंकल, बस ऐसी ही रखी। अच्छा, अच्छा रख ली है। हाय डार्लिंग, कभी हमसे भी तो पूछो क्या चाहिए। कौन है आप? अच्छा तो अब हम कौन हो गए? अरे हम तो तुम्हारे पुराने चाहने वाले हैं मेरी जान। क्या बकवास है ये साहब, क्या कर रहे हैं? कमीज फट जाएगी, चौकीदार निकालो इन्हें। अरे हमें कोई नहीं निकाल सकता। शराफत से बाहर चले जाइए महाराज। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होने लगा? जानते हो मैं कौन हूँ? कौन? मेरा नाम ग्रिंगो है, ग्रिंगो। और मेरा टैक्स अदा किए बगैर यहाँ कोई धंधा नहीं चलेगा, समझे? माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। बरखुरदार, लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं। अगर लड़ना ही है तो शराफत के दायरे में लड़ो। भाई दादी, ये कौन सा टैक्स मांग रहे हैं? हुंडा टैक्स, ये सिलाफती हुंडे हैं अंकल। अच्छा भाई हुंडे, बहुत खुशी हुई आपसे। अपनी खैरियत चाहते हो तो फौरन यहाँ से बाहर निकल जाओ। मास्टर, ये इस लोंडिया का अश के बीमार मालूम होता है। तो फिर मैं इसका भी इलाज करता हूँ। बदतमीजी। अरे भाई, यहाँ कोई फ्री स्टाइल कुश्ती या बॉक्सिंग वगैरह का तमाशा भी होता है क्या? कुवत अब तो हद हो गई। अरे भाई, कोई पुलिस को बुलाओ, वरना एक आध आदमी कम हो जाएगा। हवलनाक लड़ाई, दंगा फसाद, ये खत्म भारत गरी का अंदेशा है। मेज कुर्सियां और बर्तन टूट रहे हैं, सर फूट रहे हैं जी। शोरवा और लहू दोनों कालीन पे यकसा बह रहे हैं। हेलो, रेलवे स्टेशन लाहौर वाला कुआं। बंद कर दीजिए अंकल, लड़ाई बंद हो गई और बदमाश चले गए। क्या बदमाश चले गए? यानी इतनी जल्दी खिलाफ से तवक्को लड़ाई बंद हो गई? अरे भाई, हमने तो कहा वंडरफुल हीरो। चोट लगी है क्या? हुआ ईशो, क्या बात है? कोई हंगामा हो गया क्या? जी हाँ, दो शराबी आए थे, उन्होंने इशरत को छेड़ा, बस फिर लड़ाई हुई। असलम साहब कहाँ है? लड़ाई से पहले तो यही थे, मगर तो होटल क्या खोल लिया, अपनी जान पे मुसीबत ले ली। ईशो तुम काशिफ को लेकर ऊपर जाओ, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। देख लिया मोहतरमा, ये है होटल खोलने का नतीजा। इतना समझाया लेकिन आप लोगों की समझ में खाक नहीं आई। अब ऐसे हंगामे यहाँ रोज होंगे। अरे तुम लोग क्या देख रही हो? जाओ सर साहब को तलाक करो, फर्नीचर ठीक करो, चलो। चलिए ऊपर, हो चुकी दुकानदारी। क्या देर ऐसे आदमी थे, अगर आज तुम ना आते तो जाने मेरा क्या हाल होता। अरे हाल क्या होता, उठा कर ले जाते थे। बेशरम। अरे मैडम, इस कारोबार में यही तो मजा है, कमाई अच्छे तो नहीं हो जाती। अल्लाह कसम, मैं तो बहुत पछताई। हाँ, जूद पशे माँ का पशे माँ होना। मगर अब क्या होगा, माँ खुद पे इन्वेस्ट हो चुके हैं। बाजी, असलम भाई ने मुझे सब्ज बाग दिखाकर फंसा दिया। मैं हाजिर हो सकता हूँ? आइए असलम साहब, कहाँ तशरीफ ले गए थे आप? मैं पैसेंजर्स को अटेंड कर रहा था, सुना है नीचे कुछ लोगों ने हंगामा मंगामा किया था। जी हाँ, अच्छी बात है, आप कुछ तो अटेंड कर रहे थे। उस एग्रीमेंट की एक कॉपी तो हमें दे दीजिए असलम साहब। एग्रीमेंट? एक कॉपी आपको दी तो थी। जी नहीं। ओ, तो मेरे पास हो, तलाश करके आपको पहुंचा दूंगा। कोई और काम? जी नहीं, आप चाहिए। वहीद, कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जान की छूट से
और उनको नुकसान भी ना हो। सोचना पड़ेगा, पहले तुम एग्रीमेंट की एक कॉपी तो हासिल करो। एग्रीमेंट? एग्रीमेंट कभी नहीं मिलेगा। ये होटल, इसकी इमारत और दोनों लड़कियां मेरे कब्जे में है मोटा सेठ। मैंने एग्रीमेंट के अलावा कई और कागजात पर इशरत के दस्तखत करवा लिए हैं। मैं बोलता हूँ तो मेरा भी जवाब नहीं असलम भाई, अपने को भी इस नए धंधे में शेर मिलेगा क्या? मिलेगा, मिलेगा और जरूर मिलेगा मोटा सेठ। हाँ, पर अपन ने एक उड़ता उड़ता खबर सुना है। क्या? वो साला बैरिस्टर है ना बैरिस्टर, वो जरूर किसी लंबे चक्कर में, वो कोई कानूनी घोटाला न कर दे। मेरे ख्याल में असलम भाई होटल जल्दी से सेल करो और निकल चलो और किसी कंट्री में। तुम ठीक कहता है मोटा सेठ। ना सर, तुम कल ही होटल की इमारत फरोख करने के लिए दलालों से बात करो। 40-50 लाख के अंदर अंदर का ग्राहक मिलते ही सौदा डन कर लेंगे। बहुत शाबाश, मैं तुम सब लोगों के विजय तैयार करवा लूंगा। बिल्डिंग कैश होते ही हम एक एक करके यहाँ से रवाना हो जाएंगे। वो तो ठीक है बॉस, लेकिन बिल्डिंग फरोख करने से पहले वहीद और काशिफ दोनों को रास्ते से हटाना होगा, वरना बिल्डिंग का सौदा मुश्किल हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड, मगर उन दोनों से पहले इशरत को कब्जे में करना होगा, जो कानूनी तौर पर बिल्डिंग की मालिका है। यही तो मैं बोलता हूँ। हुक्म करो बॉस, दोनों छोकरियों को उठा के ले जाएंगे। नहीं, अभी नहीं। आ नासिर, माल का क्या हुआ? माल आने वाला बॉस, कराची से जायद सेठ का आदमी आया था, बोला ट्रक चालू हो गया उधर से। गुड, गुड न्यूज। पैसे देकर नहीं गया? दे गया, ये लीजिए 2,60,000 रुपया, 40,000 बकाया, ट्रक ड्राइवर देगा। ताजा माल में क्या है? जरा से बस, कपड़े के थानों में गत्ते की जगह पैकिंग की है। बहुत एहतियात से बॉर्डर क्रॉस करना, जब से नई हुकूमत आई है बड़ी सख्त चेकिंग हो रही है। हमने माल लाने ले जाने का रूट बदल दिया बॉस। ठीक है, अभी तुम लोग अड्डे पर जाओ, कोई बात हुई तो मुझे फोन कर दे। हो गया बॉस। देर हुई, जब तुम अपने फील्ड स्टाफ से बातें कर रहे थे मैं इसी कुर्सी पर बैठा हुआ था। कौन सा फील्ड स्टाफ? जरा क्लेवर बनने की कोशिश मत करो असलम। मिल बांट के खाना सीखो जानी। क्या मतलब? मतलब साफ जाहिर है, तुमने नुसरत और इशरत को होटल के कारोबार पर राजी किया और उन्हें इतनी मोहलत भी ना दी कि वो वही हिसाब से मशवरा कर सकती। ये माल तो तुम अकेले हजम कर गए दोस्त, अब रहा स्मगलिंग का माल, तो वो माल भी अकेले ही खा जाना चाहते हो दोस्त? शट अप! अरे हम तो बचपन के पार्टनर हैं असलम, लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुमने अपनी आमदनी का 50% शेयर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारी छोटी शराफत के परख चौड़ा दूंगा, और उसके बाद तुम संगम होटल के एयर कंडीशन कमरों में नहीं जेल की तपती हुई काल कोठरी में नजर आओगे। तो तुम मुझसे हुंडा टैक्स वसूल करना चाहते हो? ना 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 ना, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ, लेकिन हर राज की एक कीमत होती है जाने मन। कौन सा राज? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? कुछ सबूत तो इस अलमारी में बंद है और कुछ सबूत पुलिस तुम्हारे उन साथियों को गिरफ्तार करके उनसे उगलवा लेगी। बोलो, पार्टनरशिप मंजूर?
मंजूर। गुड गुड वेरी गुड। तो फिर लाओ मेरा शेर। बैंक में जमा करवा दीजिए। मैं असलम और उसकी गैंग के अफराद को गिरफ्तार करने में पुलिस की पूरी मदद करूंगा। इसका मतलब है ये होटल वोटल का कारोबार सब फ्रॉड है? बिल्कुल फ्रॉड। मुझे तो डर है वैसा वो किसी चालाकी से होटल पे कब्जा ना कर ले। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। मुझे यकीन है कि असलम ने उस एग्रीमेंट में जरूर कोई ऐसी शर्त लिखवाई होगी जिसकी रूह से वो दोनों बहनों को किसी मुनासिब मौके पर कारोबार से बेदखल कर सके। लेकिन वही साहब मुझे तो दोनों बहनों की जान का खतरा है। हो सकता है असलम जैसे बदमाश से कोई बात भी नामुमकिन नहीं। उफार और से सुन, गाड़ी का नंबर LED 3525 है। ये जिस शख्स की कार है वो हिल पार्क के 14 नंबर बंगले में रहता है। आज शाम से पहले पहले उसे साफ कर दो, समझ गए? समझ गया। और देखो जब तक ये आदमी साफ ना हो जाए माल भेजना बंद कर दो, गोदाम को ताला लगा दो और 2 दिन के लिए सबको छुट्टी पर भेज दो। राइट सर, राइट। तुम चाय बनो।
ईशो, ईशो, क्या हुआ ईशो? फजलू, डॉक्टर को बुलाओ। काशिफ, तुम जिंदा हो? जी, खुदा का शुक्र। बैठो। तुम ज्यादा जख्मी तो नहीं हुए? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अगर तुम यहाँ हो तो गाड़ी में लाश किसकी थी? वो लाश उन बदमाशों के एक साथी की थी जो मुझे कत्ल करना चाहते थे। कत्ल? जी। तो ये एक्सीडेंट नहीं, कातिलाना हमला था? बिल्कुल भाई साहब, एक्सीडेंट से पहले गाड़ी की ब्रेकें फेल कर दी गई थी और बंगले के बाहर मुझ पर फायरिंग भी की गई। मेरी जवाबी फायरिंग में उनका एक साथी हलाक हो गया। फिर वो मुझे बेहोशी की हालत में अपने साथी की लाश के साथ गाड़ी में डालकर गाड़ी एक ढलान पर छोड़कर चले गए। अगर अचानक मुझे होश ना आता और मैं एक्सीडेंट से पहले गाड़ी से ना कूदता तो उनकी स्कीम कामयाब हो जाती। कहीं वो बदमाश असलम के आदमी तो नहीं थे? यकीनन, अपनी खोई हुई दौलत हासिल करने के लिए असलम ने मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया था ताकि उसकी शख्सियत बदस्तूर रात रहे। फिर तो तुम्हारी मौत की खबर छप जाना बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इसकी तरदीद करने की भी कोई जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि असलम और उसके आदमी तुम्हें मुर्दा समझते रहे। मगर कब तक? जब तक मैं असलम को मुलजिम साबित करके कानून के हवाले नहीं करते। और काशिफ, इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं दिल जान से हाजिर हूं भाई साहब। हमारे आदमी साय की तरह उसके साथ साथ हैं। मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे। असलम के कब्जे से ओरिजिनल एग्रीमेंट निकलवाने की एक तरकीब समझ में आई। अगर पुलिस ने कोऑपरेट किया तो न सिर्फ एग्रीमेंट मिल जाएगा बल्कि मुलजिम को भी रेड हैंडेड गिरफ्तार कर सकते हैं। वंडरफुल, आखिर वकील होना यार, बताओ क्या तरकीब? दरख्तों के भी कान होते हैं भाई, जरा करीब आओ। हाँ, तो करेंगे ये कि माल गोदाम में पहुंच गया? नहीं बॉस, पुलिस सारी रात होटल के एक गेट चक्कर काटती रही। आजम कहाँ है? प्रॉपर्टी डीलर के पास गया, आता ही होगा। अरे ईशर, सुबह सुबह कहाँ जा रही? बस ऐसे शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। आप जरा किसी से कहकर टैक्सी मंगवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ना सर, छोटी बीवी के लिए टैक्सी लाओ। बैठ सर। सुनो, मेरे लिए सिगरेट भी लेते आना। वो फारसे को मार्केट से वापसी पर इशरत को घर नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे भी मुमकिन हो इसे पुराने बंगले में ले जाकर बंद कर दो। ये लो एक पैकेट गोल्ड लीफ। जा। कहाँ जाने की तैयारी है इशरत? बस ऐसे जरा शॉपिंग के लिए जा रही है, खाने के वक्त तक लौट आती। जी बहुत बेहतर। टैक्सी आ गई बीबी जी। अच्छा, खुदा हाफिज। बाजी, मैंने आज तक के अखराजात और आमदनी का हिसाब तैयार कर लिया है। रहा एग्रीमेंट तो वो मैंने बैंक के लॉकर में रखा हुआ है। जरा यहाँ से फुर्सत मिल जाए तो आपको लाकर दे दूंगा। मैं कहती हूँ वो इतनी देर बाहर नहीं रह सकती। वो जहाँ कहीं भी जाए मुझे फोन जरूर करती है। इतनी रात होगी वो अभी तक घर नहीं आई। असलम भाई, खुदा के लिए इशरत को तलाश कीजिए। आप परेशान ना हो, हो सकता है उसे सनम ने रोक लिया हो। दीदी जी, छोटी बीबी सनम दीदी क्या गई नहीं? तो फिर वो कहाँ गई? बस ये होटल वोटल, पहले इशरत को तलाश करो। क्या बात है, क्या हुआ था? इसने सुबह से घर से निकली है, अभी तक घर वापस नहीं आई। मैं बहुत घबरा रहा है। वैसे कहीं भी वापस नहीं आई? जाते वक्त क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मैं आज तक वापस आ जाऊंगी। खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो। वैसे मैंने थाने में फोन कर दिया है। बहरहाल मैं तमाम अस्पतालों में फोन करता हूँ और अखबारात में इश्तहार दे देता हूँ। इशरत का कुछ पता चला बाजी? नहीं, शायद किसी और सहेली के यहाँ चली गई होगी। नहीं भाईजान, मैंने सब सहेलियों के घर से मालूम किया है, वो किसी के यहाँ नहीं गई। तो फिर वो कहाँ गई? कहाँ गई मेरी गुड़िया? अल्लाह, अब मैं क्या करूँ? सनम, तुम यही नुसरत के पास ठहरो, मैं अभी आता हूँ। जी अच्छा। Thank you.
क्या हो रहा है होने को? सांस खेल ले बहुत। गोपाल जी माल पहुंच गया? माल पहुंचा दिया पुराने बंगले में बहुत। कोई दुश्वारी तो नहीं हुई? और कोई खास नहीं, जंगल के करीब उसने गड़बड़ करने की कोशिश की मगर भोलू और आजम ने उसका मुंह बंद कर दिया। ठीक है, तुम उसकी हिफाजत करो, मैं प्रॉपर्टी डीलर हमीद मिर्जा से मिलकर किसी वक्त ही वहां पहुंच जाऊंगा। ओके बॉस। ठीक। एग्रीमेंट, रजिस्ट्री, रकम की रसीद, पावर ऑफ अटर्नी, तमाम कागजात मुकम्मल हैं। पार्टी के वकील साहब ने भी सब कागजात चेक कर लिए। पार्टी बस आने ही वाली है, वो एक बात सुन लीजिए, रकम मैं कैश दूंगा। रकम की आप फिक्र ना कीजिए, मैंने पार्टी से कह दिया है वो कैश साथ ही लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, अभी अपन लोग अंदर आ सकते हैं? अंदर तो अपन आ ही गए। आइए आइए बैठे। बैठना बैठना क्या है, टेम कमती है, काम जास्ती, काम की बात करो। वकील साहब कागज मांग, ठीक है सब, सब कागजात मुकम्मल है। आप बोलो सेठ क्या मांगते? 50 लाख। ये मारा बाप, 50 लाख? जी 50 लाख, फकत 50 लाख। मुनसे ये तो बहुत जास्ती है। 40 तक का बात करे। 40? ठीक है। देखो सर, उधर जमीन का कीमत है 25,000 रुपए कनाल जमीन। का कितना होया? 25,000 रुपए कनाल, 1, 2, 3, 4, 6, 4, 8, 10 लाख रुपए ना। बाकी बिल्डिंग का पकड़ो 20 लाख, बहुत बहुत 30 लाख। ठीक है 40 होया, क्या होता सेठ? हाँ ठीक है सर, गोल्डन चांस है, बोल दो। ए सोचता क्या है सेठ? हाँ बोल। नोट पकड़। डन। ए डन क्या? पक्को 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 पक्को। वकील साहब कागज मांगा दे दे। ए मुंशी बैग में से 10 लाख निकाल, मेरे छाते में डाल, बाकी बैग वेग सब आपको दे दे। एकदम बराबर। आगे ला इसको। दुख होता है जा रहे हैं साले। क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये नहीं, रकम गिन लो असलम से। क्या जरूरत है, मुझे आप पर एतबार है सेठ। कैसा एकदम झोला ने बरोबर। आतिम सेठ खरा आदमी है, खरा धंधा करता है। सलाम उनसे। एक थोड़ा चाय पानी का पेट है उनसे। आता हूँ आता हूँ। मेहरबानी। वाह मिल्ला, क्या पार्टी लाए, कारोबार का मजा। तो फिर लाओ मेरा कमीशन। ये रहा एग्रीमेंट और ये रहा सेठ आतिम। नकली नोट देकर तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था वहीद। रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अगर वो चेक कर लेता तो? अरे बाजी, फ्रॉड लोगों को रकम चेक करने से ज्यादा रकम लेकर भागने की फिक्र होती है। शुभ काशिफ। खातिर तवादत करना अच्छी तरह जानते हैं।
अपनी जगह से कोई नहीं। तुमने क्या किया नुसरत? तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा नुसरत। हमारा तुम्हारा बंधन प्यार का बंधन है और ये बंधन कभी नहीं टूट सकता। कभी